हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल रघुकुल क्लासेस। करंटली आई एम टीचिंग यू एनसीईआरटी क्लास 6 जियोग्राफी। माय टुडेज टॉपिक इज मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। सो गाइस, लेट्स कंटिन्यू विदाउट डूइंग लेट। बट बिफोर आई स्टार्ट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रघुकुल क्लासेस। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग माय फिफ्थ चैप्टर एनसीईआरटी जियोग्राफी, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट व्हिच हैज लाइफ। Human beings can live here because the life-sustaining element of land, water and air are present on the earth. इसके पहले जो भी चैप्टर हमने देखा, क्या चैप्टर था वो? वंडरफुल स्काई। उसमें मैंने पढ़ा कि एक अर्थ ही हमारा ऐसा प्लानेट है जहां पे लाइफ सस्टेनेबल है, जहां पे लाइफ है, ठीक है। और वो लाइफ क्यों है? ह्यूमन बींग कैन लिव हियर, वहां पे ह्यूमन बींग क्यों रह सकता है? बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट, वहां पे क्या है हमारे अर्थ पे, क्या है? ऐसे एलिमेंट है जिनकी वजह से लाइफ यहाँ पे पॉसिबल है, सस्टेनेबल है। दैट इज लैंड, वाटर एंड एयर। ओके, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन व्हिच द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। हमारा जो अर्थ का सरफेस है, एक कॉम्प्लेक्स जोन है, ठीक है, बहुत ही जटिल एरिया है। इन व्हिच थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट मीट, जहां पे एनवायरमेंट के मेनली थ्री कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, मिलते हैं या फिर आपस में इंटरैक्ट करते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज ऑन व्हिच वी लिव, जहां पे हम रहते हैं, जो हमारा सॉलिड पोर्शन है, ठीक है, हमारा जो अर्थ का जो ऊपर का पोर्शन है, अपर पोर्शन है, जहां पे हम लिव रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द लिथोस्फेयर। ओके, एंड द गैसियस लेयर, गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ, हमारी अर्थ को जो गैसियस लेयर घेरी हुई है, दैट इज कॉल्ड एज एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में क्या क्या देख लेते हैं? एटमोस्फेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड। इसमें हमारे एटमोस्फेयर में कौन कौन सी मेन गैसेज हैं? दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा भी बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन वो बहुत लिटिल अमाउंट में, माइनर गैसों में आते हैं वो। वाटर कवर अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फेयर। और हमारी अर्थ पे जो वाटर है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है, वो भी हमारी अर्थ पे बहुत बड़ा काफी एरिया कवर किया हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। हमने पहले क्या डिस्कस किया था कि हमारा जो हम जहां पे रह रहे हैं वो मेनली किससे मिलके बना है? मेनली थ्री कंपोनेंट से मिलके बना है, दैट इज लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। और इस कंपोनेंट को हम क्या बोल रहे हैं? ये जो तीनों कंपोनेंट मिलके जो बना रहे हैं हमारा स्फीयर, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। ओके, सो द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टूगेदर। बायोस्फेयर कैसा जोन है? एक नैरो जोन है जहां पे हमें क्या मिल रहा है? लैंड मिल रही है, दैट इज लिथोस्फेयर, वाटर मिल रहा है, दैट इज हाइड्रोस्फेयर, एंड एयर दैट इज एटमोस्फेयर। तो हमें ये तीनों चीजें मिल रही है हमारे अर्थ पे, और इस जोन में हम रह रहे हैं, दैट इज नोन एज बायोस्फेयर, व्हिच कंटेन्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ दैट लाइफ इज सस्टेनेबल इन ऑन अर्थ। अब हम डिटेल में देख लेते हैं, व्हाट इज लिथोस्फेयर? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर, अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज लिथोस्फेयर। इट कंप्राइजेस द रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ द सॉइल, कंटेन न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट इन व्हिच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। जो हमारा लिथोस्फेयर है उसमें क्या क्या है? रॉक्स हैं, ठीक है, अर्थ का, अर्थ की जो क्रस्ट है मेनली वो रॉक की है, एंड द कुछ लेयर उसमें क्या है? सॉइल्स है,
सॉइल है, कुछ उसमें कुछ लेयर सॉइल के हैं और रॉक के हैं, और उसमें क्या है न्यूट्रिएंट एलिमेंट भी पाए जा रहे हैं जिसमें हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सस्टेन करते हैं, रहते हैं. देर आर टू मेन डिविजन ऑफ द अर्थ सर्फेस. द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर नोन एज द ओशन बेसिन. यहाँ पे जो मेन डिविजन है अर्थ सर्फेस का वो मेनली क्या है, लार्ज लैंड मास जिसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है, या टेरेस्ट्रियल कॉन्टिनेंट भी बोल सकते हैं, एंड द ह्यूज वाटर बॉडी जिसको हम ओशियानिक बेसिन बोलते हैं, ठीक है. ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर. लगभग वर्ल्ड के सभी जो ओशन हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड फिगर 5.1. अभी चलिए मैप देख लेते हैं, ठीक है. यहाँ पे देखिए ये मैप है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सभी जो भी ओशन है ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. कनेक्टेड विद जो भी लैंड मास है या ओशन बेसिन है ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर. जो सी वाटर का लेवल है वो भी हर जगह सेम है. एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी. हम जो देखते हैं कि एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड, हमारा जो एलिवेशन है हाइट है लैंड की, दैट इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी. जो कि सी से हम लेवल जो हमारा है बेस हम किसको मानते हैं, सी को मानते हैं, व्हिच इज टेकन एज जीरो. जीरो हम सी को मानते हैं. द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल. जो हमारा माउंटेन है सबसे ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज माउंट एवरेस्ट, इसको हम नेपाल माउंटेन भी बोलते हैं, दैट इज 8,848 मीटर अबव द सी लेवल. सी लेवल से ये इतने मीटर ऊंचाई पे है. द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट मारियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन. और जो सबसे ज्यादा डेप्थ है दैट इज रिकॉर्डेड इन मारियाना ट्रेंच. ये मारियाना ट्रेंच में सबसे ज्यादा डेप्थ है, और ये मारियाना ट्रेंच कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में है, प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच है. दैट इज द ग्रेटेस्ट डेप्थ इन द वर्ल्ड. ट्रेंच कुड यू इमेजिन दैट डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन द हाइएस्ट पॉइंट. ये आपके लिए है. लेट्स नाउ कॉन्टिनेंट्स. अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा अर्थ का मास है वो मेनली किससे मिलके बना है, कॉन्टिनेंट से और ओशानिक बेसिन से. तो अभी देख लेते हैं व्हाट इज कॉन्टिनेंट. देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स. दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज. हमारे पास कितने 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि हम वाटर बॉडीज के थ्रू एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है, सेपरेटेड हैं. दीज कॉन्टिनेंट्स आर, ये कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड नोटिस दैट द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अभी देख लीजिए मैप में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे ये जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, अगर हम इसको मिड से कट करें तो ये पार्ट जो है वो नॉर्थ में आ रहा है, दैट इज नॉर्दर्न पार्ट. तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा लैंडमास दिख रहा होगा आपको. यहाँ पे देखिए ये चीज, ये तो कम है. यहाँ पे यूरोप है, एशिया है, नॉर्थ अमेरिका है. तो ये सारे लैंडमास जो है ज्यादातर किस में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ. जो एशिया है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और ये जो
हमारा लैंड एरिया है अर्थ पे टोटल का ये 1/3 कवर करता है, हमारी पूरी जो टोटल लैंड एरिया है उसका 1/3 पार्ट जो है वो एशिया के अंदर आता है। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं एशिया, देखिए ये कितना बड़ा दिख रहा है आपको, यहां तक फैला हुआ है एशिया महाद्वीप। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। हमारा जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज पासिस थ्रू एशिया, एशिया के थ्रू ये पास होती है और ये नॉर्थ में आपका किधर है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाई, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय अर्ल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप, जो एशिया है वो यूरोप से सेपरेटेड है, डिवाइड अलग है वो किसके थ्रू, इन दोनों के बीच में क्या है, एक उराल माउंटेन है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड एज यूरेशिया। यूरोप और एशिया का जो कंबाइंड लैंड मास है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया, यूरोप जो है वो एशिया से काफी छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द बेस्ट ऑफ एशिया, यूरोप जो है वो एशिया के बेस्ट में है, एशिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट, इट इज बाउंडेड बाय वाटर। हमारा आर्कटिक सर्कल किधर होता है, नॉर्थ में होता है, अंटार्कटिक किधर होता है, साउथ में होता है। ठीक है, तो अभी जो हमारा यूरोप एशिया है ये सब किधर है, मोस्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो जो आर्कटिक सर्कल है पासिस थ्रू इट वो यहां से पास होती है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इट इज बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज, यूरोप से पास होती है ना हमारी आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट, इट इज बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज और ये वाटर बॉडी से घिरा हुआ है तीन साइड से, ये तीन साइड से यूरोप जो है वो तीन साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। ये देख लीजिए ये यूरोप है, ठीक है, इधर से भी और इधर से भी, तीनों साइड से ये वाटर बॉडी से घिरा हुआ है यूरोप। अफ्रीका, अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, अफ्रीका जो है एशिया के बाद ये दूसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। द इक्वेटर आर जीरो लैटिट्यूड, इक्वेटर को हम जीरो लैटिट्यूड भी बोलते हैं ना, द इक्वेटर आर जीरो लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो हमारा इक्वेटर है वो मोस्टली कहां से जाती है, ये अफ्रीका के मिडल से होती हुई जाती है, हमारा जो इक्वेटर है वो अफ्रीका के मिडल से है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अफ्रीका का भी ज्यादातर पार्ट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। लुक एट द फिगर यू विल फाइंड दैट इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू हुज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे कर्क रेखा, मकर रेखा और हमारा इक्वेटर ये तीनों ही यहां से पास होते हैं। द सहारा डेजर्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, जो सहारा डेजर्ट है वो हमारे विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म डेजर्ट है, इज लोकेटेड इन अफ्रीका, दैट इज इन अफ्रीका। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज, ये जो कॉन्टिनेंट है ये चारों तरफ से किससे घिरा है, ओशन और सी से घिरा हुआ है। यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नील फ्लो थ्रू अफ्रीका, जो नील रिवर है वो भी अफ्रीका के थ्रू फ्लो होती है।
Notice where the equator, the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn passes in the map of Africa. ठीक है, आपको ये चीज मैप में देखना है कि कौन से लोकेशन से कहां से जो है अफ्रीका में किस जगह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ और ट्रॉपिक सॉरी इक्वेटर, ये तीनों पास हो रहे हैं, किस लोकेशन से पास हो रहे हैं ये आपको मैप में देखना है. ठीक है, नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा. नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, जो नॉर्थ अमेरिका है ये तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, और ये साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है बाय अ नैरो स्ट्रिप. एक नैरो स्ट्रिप से साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा. ठीक है, पनामा का इस्थमस बोलते हैं. साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों इसके थ्रू जुड़े हुए हैं. तो कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. जो कॉन्टिनेंट है हमारा नॉर्थ अमेरिका, वो मोस्टली क्या है, नॉर्थ और वेस्ट हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. थ्री ओशंस सराउंड दिस कॉन्टिनेंट. इस कॉन्टिनेंट को तीन ओशन घेरे हुए हैं, थ्री ओशंस. अब आपको इन तीनों ओशन के नाम बताने हैं. कौन कौन से मैप में सर्च करिए और ये देखिए कि कौन कौन से ऐसे ओशन हैं जो इसको घेरे हुए हैं. ठीक है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर. सॉरी, साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर विच टू ओशंस अराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट. द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन. ये देखिए, साउथ अमेरिका जो है ये मोस्टली सदर्न पार्ट में है, इसीलिए इसको साउथ अमेरिका बोलते हैं. ठीक है, विच सराउंड विच टू ओशन सराउंड इट. इसको दो जो ओशन है वो ईस्ट से और वेस्ट से घेरे हुए हैं. एंडीज, द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज. एंडीज जो है हमारे वर्ल्ड का, विश्व का सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा माउंटेन रेंज है. रन्स थ्रू इट इट इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. और ये इसके लेंथ में नॉर्थ टू साउथ रन करती है एंडीज माउंटेन. साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजन. साउथ अमेरिका के पास जो है वर्ल्ड की सबसे जो लार्जेस्ट रिवर है दैट इज नोन एज अमेजन, दैट इज इन साउथ अमेरिका. नाउ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर. ऑस्ट्रेलिया जो है वो छोटा कॉन्टिनेंट है सबसे, दैट लाइज इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, दैट इज ऑल्सो इन सदर्न हेमिस्फीयर. इट्स इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशन. इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशंस एंड सीज. ये भी चारों तरफ से ओशन और सी से घिरा हुआ है. इट इज कॉल्ड एन आइसलैंड कॉन्टिनेंट. इसीलिए इसको, क्योंकि ये चारों तरफ से ओशन से सीज से घिरा हुआ है, दैट इज इट्स आल्सो नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट. आइलैंड भी क्या होते हैं, जो चारों तरफ से ओशन से घिरे होते हैं ना. अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर. हम जानते हैं कि आर्कटिक जो है वो किधर है, नॉर्दर्न में है, और जो अंटार्कटिक है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है. अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट. ये एक ह्यूज कॉन्टिनेंट है, विशाल कॉन्टिनेंट है, और सदर्न हेमिस्फीयर में है. ये कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में. द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट. जो साउथ पोल है वो इसके सेंटर, जो इसका सेंटर पोर्शन है उसको ही क्या बोलते हैं, हम साउथ पोल. एज इट
is located in the south polar region, it is permanently covered with thick ice sheet. चूंकि ये साउथ दक्षिणी ध्रुव में लोकेटेड है, इसीलिए ये परमानेंटली जो है बर्फ सीट से, आइस सीट से कवर होती है. देर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, यहाँ पे कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है. मेनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका. आजकल तो कई सारी कंट्रियों ने अपने स्टेशन वहां पे रिसर्च के लिए स्टेशन सेंटर बना रखा है अंटार्कटिका में. इंडिया ऑल्सो हैज अ रिसर्च स्टेशन हियर देयर, इंडिया का भी एक रिसर्च स्टेशन वहां पे है. देयर आर नेम दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री. उसका क्या नाम है वहां पे, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री. नाउ हाइड्रोस्फीयर, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने लिथोस्फीयर पढ़ लिया, ठीक है. अब हम किस में आ गए, हमने पहले बताया था हमारी जो अर्थ है वो तीन चीजों से मेनली मिलके बनी है. अर्थ पे जो हमारा लाइफ क्यों सस्टेबल है, सस्टेनेबल है बिकॉज ऑफ बायोस्फीयर. और जो बायोस्फीयर है वो मेनली किन चीजों से मिलके बना है हमारा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर. तो हमने अभी लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ लिया. लिथोस्फीयर मेनली क्या इंक्लूडेड है, हमारे कॉन्टिनेंट्स ऑन एंड ओशनिक बेसिन. और जो हमारा कॉन्टिनेंट्स है वो हमने पढ़ लिया, सेवन कॉन्टिनेंट्स थे. तो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हाइड्रोस्फीयर, ठीक है. हाइड्रोस्फीयर, द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं बिकॉज मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज विद लैंड. क्योंकि हमारा जो अर्थ पे 71% जो है वो वाटर है और 29% जो है वो लैंड है, इसलिए हम इसको अर्थ को क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स. जो हाइड्रोस्फीयर है ये वाटर को कंसिस्ट किए हुए अपने सभी फॉर्म में कंसिस्ट किए हुए है, ठीक है. चाहे वो आइस हो या वाटर वेपर हो या फिर वाटर हो, प्योर फॉर्म वाटर का, प्योर वाटर हो, ठीक है. तो इन सभी फॉर्म में जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है इसको वाटर को कंसिस्ट किए हुए है. एज रनिंग वाटर इन ओशन एंड रिवर्स एंड इन लेक्स, जो रनिंग वाटर है, रनिंग वाटर है दैट इज इन ओशंस रिवर्स एंड लेक्स. एंड जो आइस हमारा बर्फ है वो किसमें, ग्लेशियर्स में है. अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर इन एटमोस्फेयर, और जो वाटर वेपर है हमारे वो एटमोस्फेयर में है. ये सभी ऑल कंप्राइजेस द हाइड्रोस्फीयर. ये सभी जो एटमोस्फेयर में वाटर वेपर है, ग्लेशियर अंडरग्राउंड में जो वाटर है, ग्लेशियर में जो आइस है, जो भी रिवर ओशन लेक ये सब वाटर जो भी है, सब ये सब मिलके हमें क्या बनाती है, हमारी हाइड्रोस्फीयर को बनाती है. मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन एंड इज टू साल्टी फॉर ह्यूमन यूज. अबाउट 97% जो है अर्थ का वाटर जो है, अर्थ वो कहाँ पे पाया जाता है, ओशन में पाया जाता है. हमने बताया ना 71% वाटर है अर्थ पे, 29% लैंड है, और उस 71% से 97% जो है वाटर जो है कहाँ पे है, वो ओशन में है, और वो बहुत ही साल्टी है, ह्यूमन यूज के लिए नहीं है वो. अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन फॉर्म ऑफ आइस शीट्स. उसके बाद जो लार्ज प्रपोर्शन है, ज्यादातर प्रपोर्शन है वाटर का, वो बचा हुआ वो किस फॉर्म में है, आइस शीट और ग्लेशियर के फॉर्म में है. अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे, अंडरग्राउंड एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, और बहुत कम मात्रा में इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज. और जो फ्रेश वाटर है वो ह्यूमन यूज के लिए बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है, उपलब्ध है. हेंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. चूंकि हमारे पास जो है बहुत 71% वाटर है, बट बिकॉज 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज टू सॉल्टी दैट कैन नॉट ह्यूमन कैन नॉट यूज. सो हेंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट, हमारे पास ब्लू प्लैनेट होते हुए भी हम वाटर की शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं, वाटर की कमी को महसूस कर रहे हैं,
फेस कर रहे हैं. ठीक है. नाउ कम्स नेक्स्ट पॉइंट, ओशन. व्हाट इज ओशंस? ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर. ओशन जो है हमारा हाइड्रोस्फीयर का एक बहुत बड़ा पार्ट है. ये जो सारे ओशन है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड. ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग. ओशन जो हमारा समुद्र का पानी हमेशा मूव करता रहता है. द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर आर द वेव. वाटर में जो मूवमेंट है वो मेनली कौन कौन से टाइप की होती है? दैट इज वेव. ठीक है, लहरें जो आती है, वेव, टाइड्स एंड द ओशन करेंट. और ओशन में जो करंट उठती है, ओशन करंट, टाइड्स एंड वेव्स. फोर मेजर ओशंस आर द, और जो हमारी चार मुख्य ओशन है दैट आर द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड द आर्कटिक ओशन. तो कौन कौन से ओशन हो गए चार? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन. अभी मैंने क्या बताया था आपको थोड़ी देर पहले? मैरियाना ट्रेंच द ग्रेटेस्ट डेप्थ, ओके, 11,022 मीटर्स. दैट वो कहां पे है लोकेटेड? दैट इज इन पैसिफिक ओशन. ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज. ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन का, ये इनके साइज के बेसिस पे इनका अरेंजमेंट है. तो लार्जेस्ट वन इज दैट इज पैसिफिक ओशन. हमारा जो पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा है. और जो आर्कटिक ओशन है दैट इज स्मॉलेस्ट. द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट. इट स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ. हमारी जो अर्थ सरफेस है उस पे 1/3 पार्ट पे ये जो पैसिफिक ओशन है ये स्प्रेड है, ये फैला हुआ है. मैरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट ट्रेंच पार्ट ऑफ द अर्थ. ये मैंने बता दिया पैसिफिक ओशन में है. जो पैसिफिक ओशन है उसका शेप कैसा है? लगभग सर्कुलर है, ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप. एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट. एशिया, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये चारों इसको घेरे हुए हैं. ये मिडल में है, ठीक है, जो पैसिफिक ओशन है. और ये चारों इसके किनारे पे हैं, इसके चारों तरफ है. लुक एट मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट अराउंड द पैसिफिक ओशन. दिस इज योर वर्क, ओके. द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. जो अटलांटिक ओशन है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट है, दूसरा सबसे बड़ा ओशन है. इट इज यस शेप्ड. जो अटलांटिक ओशन है ये यस शेप में है. इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड. और ये वेस्ट में वेस्ट में ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका से फ्लैंक्ड है और यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड. द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड. दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स. ठीक है, ये काफी ज्यादा इरेगुलर है, इंडेंटेड है, इसलिए यहाँ पे जो कोस्ट लाइन है इसीलिए यहाँ पे ज्यादातर ये लोकेशन जो पोर्ट्स हार्बर हैं, पोर्ट्स हैं, इन सब के लिए नेचुरल हार्बर हैं, पोर्ट्स हैं, इन सब के लिए लोकेशन प्रोवाइड करता है, आइडियल लोकेशन प्रोवाइड करता है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज द बिजिएस्ट ओशन. हमारा जो अटलांटिक ओशन है ये कॉमर्स की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा बिजी ओशन है, सबसे ज्यादा बेस्ट समुद्र है. इसकी जो कोस्ट लाइन है यहाँ पे ज्यादातर व्यापार जो होते हैं इस ओशन से होते हैं, क्योंकि आपने देखा ये किधर से, ये बीच में है ना ये ओशन, इन चारों जो हमारे चारों मेन कॉन्टिनेंट है इनके बीच में है ये ओशन, इसलिए यहाँ पे जो है ये सबसे ज्यादा बिजिएस्ट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉमर्स. ठीक है, कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से. द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री. जो इंडियन ओशन है ये ओशन केवल एक कंट्री के नाम पे दिया गया है, दैट इज इंडिया. द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर. जो
इंडियन ओशन है, इसका जो शेप है ये लगभग ट्रायंगुलर है. इन द नॉर्थ, नॉर्थ में इट इज बाउंडेड बाय एशिया, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका. नॉर्थ में ये एशिया से, वेस्ट में अफ्रीका से, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से ये घिरा हुआ है. ठीक है, इस तरह से ये क्या ट्रायंगुलर शेप बना रहा है. द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल. जो आर्कटिक ओशन है ये आर्कटिक सर्कल में लोकेटेड है, दैट इज इन सदर्न नॉर्दर्न पोल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल को ये घेरे हुए है. आर्कटिक हमारा नॉर्थ में है ना, अंटार्कटिक साउथ में. इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट. ये जो है पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है किसके थ्रू, एक नैरो स्ट्रेच, शैलो वाटर का एक नैरो स्ट्रेच है जिसको हम बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं. इसके थ्रू ये पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है. कौन हमारा नॉर्थ पोल पे जो है आर्कटिक ओशन. इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया. ये जो आर्कटिक ओशन है ये किसके द्वारा घिरा है, नॉर्थ जो हमारा नॉर्थ अमेरिका का जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न कोस्ट है उससे, और यूरेशिया इसके जो नॉर्दर्न कोस्ट है इनसे ये घिरा हुआ है. तो अभी तक हमने देख लिया, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर देख लिया और लिथोस्फीयर देख लिया. ये हमारे तीन कंपोनेंट थे ना जो मिलके बायोस्फीयर बना रहे थे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. तो अभी हम आते हैं एटमॉस्फेयर पे, जो हमारा मेन कंपोनेंट है हमारी अर्थ का. ठीक है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. हमारी जो अर्थ है गैस की एक लेयर से घिरी हुई है जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं. दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट. ये जो पतली सी ब्लैंकेट है एयर की, मतलब ये जो हमारी एयर की गैसेज है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये इस प्लैनेट के लिए बहुत ही, हमारी जो अर्थ है इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इट प्रोवाइड अस विद द एयर, ये हमें एयर प्रोवाइड करती है जिससे हम सांस लेते हैं. प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज, सनरेज की जैसे अल्ट्रावायलेट है इन सब रेज है, इन सब से ये हमें, इसके हार्मफुल इफेक्ट से हमें प्रोटेक्ट करती है, बचाती है. द एटमोस्फेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर. हमारा जो एटमोस्फेयर है वो 1600 किलोमीटर की हाइट कवर करता है, वहां तक फैला हुआ है. द एटमोस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू फाइव लेयर. एटमोस्फेयर है वो पांच लेयर में डिवाइड हुआ है. किसके बेसिस पे, इसके कंपोजिशन के बेसिस पे, मतलब जो इसमें गैसें प्रेजेंट है इनके बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे, और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है उन सबके बेसिस पे ये मेनली पांच भागों में डिवाइड हुआ है. ये पांच भाग कौन कौन से है, दैट इज ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो ये ट्रोपोस्फियर जो कि अर्थ सरफेस के सबसे क्लोजेस्ट है, देन स्ट्रेटोस्फियर जहां पे हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है, देन मीजोस्फियर दैट इज द कोल्डेस्ट रीजन, थर्मोस्फियर हाईएस्ट टेम्परेचर, एंड देन एक्सोस्फियर. द एटमोस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो हमारा एटमोस्फेयर है वो मेनली कौन सी गैसों से मिलकर बना है, नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से. नाइट्रोजन कितनी है यहाँ पे, 78% है, ऑक्सीजन 21%, व्हिच मेक अप अबाउट 99% ऑफ द क्लीन ड्राई एयर. ये हमारी जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ये लगभग 99% जो हमारी क्लीन और ड्राई एयर बनाती है, कंपोज किए हुए हैं. नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, एंड अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइजेज 1% बाय वॉल्यूम. बाकी जो गैसे हैं वो केवल 1% है बाय वॉल्यूम. ऑक्सीजन इज द ब्रीद ऑफ लाइफ, व्हाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग. ऑक्सीजन इज द ब्रीद ऑफ लाइफ, व्हाइल नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म.
जो ऑक्सीजन है उसको हम उसके थ्रू हम सांस लेते हैं, हम अपनी लाइफ को चलाते हैं, जबकि नाइट्रोजन जो है हमारे किस में हेल्प करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट, यद्यपि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है और इज इम्पोर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। और ये क्या करता है, जो सन से जो हीट आती है, जो किरण आती है, ठीक है, सन से वो जब अर्थ पे आती है उसके बाद जब रिफ्लेक्ट होती है तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको री रेडिएट होने से उसको रोकती है और उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, दियर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म। और इस तरह से ये प्लैनेट को हमारी क्या करती है, गर्म रखती है। इट इज आल्सो इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ये इसलिए भी ये प्लांट प्लैनेट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द डेंसिटी ऑफ द एटमोसफियर वेरीज विद हाइट, जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते हैं, हाइट में जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, वैसे वैसे जो एयर में एटमोसफियर में जो डेंसिटी है वो वेरी करती है, ठीक है। इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड द डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप। सी लेवल यानी सबसे लोएस्ट पे हमें जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा मिलती है, जबकि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो डेंसिटी है हमारी वो घटती जाती है। यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। हम जानते हैं कि जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो चढ़ते हैं पहाड़ों पे, जो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, ये सब इनको सांस लेने में क्यों दिक्कत होती है कि जैसे जैसे ये ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एयर में जो डेंसिटी है एयर की वो डिक्रीज होती जाती है। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड, इसीलिए उनको हाई एल्टीट्यूड पे जाते टाइम उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है ताकि वो वहां पे भी ब्रीथ कर सके, सांस ले सके। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस एज वी गो अपवर्ड, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हमारा टेम्परेचर भी घटने लगता है। द एटमोसफेयर एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ, एटमोसफेयर जो है हमारी अर्थ पे एक प्रेशर लगाता है, एक बल लगाता दबाव डालता है। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये भी प्रेशर भी जो है ये अलग अलग प्लेस पे अलग अलग है, वेरी करता है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम आर वेरी हैव लो प्रेशर। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जो एयर होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। मूविंग एयर इज नोन एज विंड, और जो हमारा एयर जो मूव करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं, और ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ, द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एंड एयर। बायोस्फीयर क्या है, एक नैरो जोन है जहां पे हमें तीनों का कॉन्टेक्ट मिलता है, किसका, लैंड का, वाटर का और एयर का, इन तीनों का ही कॉन्टेक्ट हमें बायोस्फीयर में मिलता है। इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट। There are several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. ये जो एक ऐसा जोन है, एक ऐसा प्लानेट है जहाँ पे लाइफ हमारी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, वो चाहे स्मॉल माइक्रोब्स हो, बहुत छोटे साइज के माइक्रोब्स हो, या बैक्टीरिया हो, या फिर बहुत बड़े बड़े मैमल्स हो, स्तनधारी हो, वो सभी यहाँ पे उन सबकी लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। यहाँ पे सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग ह्यूमन, चाहे वो ह्यूमन है, ये सभी लिंक टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल, ये एक दूसरे से
अपने सर्वाइवल के लिए इस बायोस्फेयर में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फेयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इंटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम. जो ऑर्गेनिज्म है बायोस्फेयर में वो ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू, ये किसने डिवाइडेड है, प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में. The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. ये जो तीनों domains हैं, कौन कौन से, land और water, air, ये तीनों ही एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, किसी ना किसी वे में एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट हैं. फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड. अगर हम अपनी किसी नीड को, वुड हमें चाहिए, ठीक है, हमें उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए हम फॉरेस्ट कट करते हैं. क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के लिए हम लैंड को क्लियर करते हैं. ये मील में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप, और इससे क्या होता है कि सॉइल जो होता है उनका भी तेजी से रिमूवल हो जाता है, सॉइल भी तेजी से हटने लगती है. सिमिलरली अर्थ सर्फेस मे बी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक, और उसी तरह से अर्थ हमारी धरती की सतह जो है, सर्फेस जो है वो भी चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटी, जो बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर या अर्थक्वेक ये सभी आते रहते हैं उनकी वजह से हमारी अर्थ सर्फेस भी चेंज होती है. फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड, ठीक है, एज हैपन इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली, पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज अंडर द वाटर. या फिर जो क्या होता है कि जो लैंड है वो सबमर्ज हो जाती है, डूब जाती है, जैसे कि अभी सुनामी आई थी रिसेंटली, तो और पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो सबमर्ज हो गए थे उसके अंदर. डिस्चार्ज ऑफ बेस मटेरियल इन टू लेक्स एंड रिवर, जो वेस्ट मटेरियल है लेक और रिवर में डिस्चार्ज हो रहा है, मेक द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज, वो वाटर को क्या कर रहा है, ह्यूमन यूज के लिए अनसुटेबल बना रहा है, वो डैमेज कर रहा है, जिससे कि हमारा जो लाइफ फॉर्म है वो डैमेज हो रहा है. अगर हम अपना क्या कहते हैं गंदे पानी का यूज करेंगे तो हमें बीमारियां होंगी, इससे बहुत सारी लाइफ को हार्म होगा, ठीक है, और जो फिश होगी उनके लिए भी ये बहुत बुरी बात है. डिस्चार्ज ऑफ बेस मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स, क्या होता है कि यहाँ पे जो बेस मटेरियल है वो रिवर में जाते हैं, यूट्रोफिकेशन काज करते हैं या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड काज करते हैं, दैट इज वेरी थ्रेटेंड फॉर लाइफ. एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स, जो इंडस्ट्री है या थर्मल पावर प्लांट है या भी जो भी व्हीकल हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, ये सभी क्या करते हैं, एयर को पल्यूट करते हैं बिकॉज ऑफ यहाँ से क्या होता है, कुछ जो हार्मफुल गैसेस हैं उनका एमिशन होता है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक हमारी एयर में एक इम्पॉर्टेंट है कंस्टिट्यूएंट है ना, बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेयर लीड टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर. अभी मैंने क्या बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है कि जो सनरे आती है, ठीक है, जो विजुअल रे आती है हमारी धरती की सरफेस पे, जब वो रिफ्लेक्ट होती है, रूप दोबारा से यहाँ से री रिफ्लेक्ट होती है, तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जान नहीं देता, जिससे ये क्या होता है अर्थ की सरफेस को वार्म रखता है, गर्म रखता है. लेकिन जब ये इंक्रीज कर जाता है, अगर उससे कंडीशन जब वो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या काज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रहा है. उसका जो अमाउंट है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर क्या है ग्लोबल का, वो इंक्रीज करने लगेगा. दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग. आजकल ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ना, आजकल बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज के लिए पहले, सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग का नाम लिया जाता है. देयर इज दस अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फेयर. इसीलिए ये आवश्यक है हमारे लिए
कि हम जिस भी रिसोर्स का यूज करें अर्थ पे तो एक बैलेंस में करें, कि जो नेचर है उसके बीच एक बैलेंस संतुलन बना रहे, ठीक है, चाहे वो लिथोस्फेयर हो, एटमॉस्फेयर हो, या फिर हमारा हाइड्रोस्फेयर हो, इनके बीच एक संतुलन बना रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रघुकुल क्लासेस, थैंक यू।